हेलो, हेलो। नमस्कार सर। सर हाँ जी नमस्कार, बताइए। जो मैसेज आया है केबीसी की ओर से, सर, मैं कौन बनेगा करोड़पति कंपनी से बात कर रहा हूँ, राजेश कुमार। जी आपको मैसेज कब प्राप्त हुआ है? सर अभी भी हुआ है सुबह। सुबह हुआ है जी तो सर, जो आपको मैसेज मिला है उसके अंदर एक लॉटरी नंबर होगा, वो लॉटरी नंबर बताइए आप मेरे को। हाँ जी सर, एक सेकंड चालू रखिए ना। सर, बिल्कुल सर। ठीक, हाँ एक सेकंड लिखिए सर। हाँ बताइए। सर 55 85। एक मिनट सर, 55 85। हाँ जी हाँ सर, एक मिनट। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी सर आपको इस लॉटरी के अंदर है 25 लाख रुपए कैश मिले हैं, और इसके साथ में एक ऑप्शन और है, स्कॉर्पियो गाड़ी। हाँ जी तो आप इनमें से कौन सा चूज करना चाहोगे? सर 25 लाख का वो केस है जो, वो कैसे क्या होगा? इसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जी इसकी एक फाइल बनेगी, उसके अंदर आपका आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। उस फाइल की फीस लगेगी 12,000 रुपये। जी और जैसे ही आपकी फाइल बन के तैयार होगी, जी 1 घंटे के अंदर आपके अकाउंट के अंदर अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा और गाड़ी का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, गाड़ी का बता दीजिए। गाड़ी का ऐसा है, आपको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और जी आपकी वोटर आईडी प्लस एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी बैंक डायरी की फोटो, ठीक जी है? और जी 9,000 रुपये गाड़ी को नाम ट्रांसफर करवाने के लगेंगे। हाँ अच्छा, वो और सर ये कब तक मिल जाएंगे? हेलो रेडी करवाने के। हेलो सर जी, ये केस का क्या रहेगा सिस्टम? जैसे ही आपकी फाइल है वो तैयार होगी, उसके 1 घंटे के अंदर आपके अकाउंट के अंदर है अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा जी, तो सर स्कॉर्पियो का? जी स्कॉर्पियो का मैंने बता दिया ना आपको कि 9,000 रुपये लगेंगे आपके नाम करवा के, 1 दिन के अंदर है आपके एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर करवा देंगे गाड़ी। जी हाँ सर बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। ये भाई को एक मैसेज प्राप्त हुआ है केबीसी वाला, क्या प्रोसेसिंग बताई आपने? हाँ सर, वो प्रोसेस ये है कि इनको लॉटरी लगी है केबीसी अच्छा, की तरफ जियो से। लिखा हुआ है हाँ इसमें, जियो क्या है? जियो जियो कंपनी की तरफ से, कौन बनेगा करोड़पति कंपनी है ना। और तो ये इसी को क्यों मिला है, बाकी सबको मिलता है क्या है 25 लाख रुपए? ये जियो कंपनी के बहुत ही अच्छे यूजर है, इसलिए इनको मिला है, क्योंकि एक कॉलिंग साल के? के अंदर 7 लोगों को ये लॉटरी लगती है, अच्छा उसके अंदर अच्छा तो इनका भी नाम है। ये 2022 का है, पूरी साल का है ना? हेलो। 2022 की हाँ पूरी साल का है, हाँ जी सर। तो इसमें इनको 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, मतलब जियो केबीसी की तरफ हाँ से। हाँ तो सर। अच्छा, तो आपने क्या प्रोसेसिंग बताई सर इनको? तो प्रोसेस ये है कि जो एक 25 लाख रुपए है और एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, दो ऑप्शन है इनके पास में, उसके अंदर से इनको चूज करना है जो इनको कौन केस सा लेना पच्चीस है। लाख रुपए मिलेगा उसके लिए आपको 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ सर, वो तो फाइल आपको क्यों बनेगी, देने फाइल पड़ेंगे? चार्ज लगेगा। आपको क्यों देने पड़ेंगे? फाइल बनती है, उस फाइल चार्ज के लगेंगे। हाँ अच्छा, फाइल बनेगी उसके बाद में 25 लाख रुपए मिलेंगे। सर, इनके अकाउंट के तो अंदर अमाउंट है, पच्चीस वो लाख ट्रांसफर रुपए कर तो दिया जाएगा फाइल आप तैयार पच्चीस लाख होगी मेरी एक बात घंटे के सुनिए, अंदर मेरी अंदर। बात सुनिए, आप 25 लाख रुपए इनको दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 25 लाख दे रहे हो तो फिर 12,000 ले क्यों रहे हो? उसी में से काट लेना ना। उसमें से नहीं कटेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा अमाउंट है इनके अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर होगा। अच्छा, तो उसमें से काट के बाद में आधा अमाउंट ट्रांसफर कर देना ना। ऐसे नहीं होता है एक ना। काम कर लेना, आप 12,000 रुपये की जगह आपके 25 लाख रुपये दे रहे हो, आप 12 लाख काट लेना, इसको 50% दे दो बस, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सर, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो कहाँ से लॉटरी बात कर रहे इनको हैं आप? लगी है वो अमाउंट इनको ही दिया जाएगा। राजेश जी नाम बताया क्या आपका? हाँ तो आप जियो केबीसी की तरफ से बात कर रहे हो, हाँ जी सर। तो ऐसे पहले भी किसी को आपने 25 लाख रुपए दिए हैं क्या? हाँ सर, 1 साल के अकाउंट यूजर है और इनके। एक एक क्या प्रोसेसिंग बताइए, आप गाड़ी देने की है ना, हाँ, गाड़ी तो गाड़ी में क्या प्रोसेसिंग है? के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसमें भी रेडी आप करने नौ के हजार बाद रुपये लाने मांग रहे के हो, लिए। क्या हुआ? उसमें भी 9,000 रुपये मांग रहे हो, यही प्रोसेसिंग है? हाँ सर। अच्छा, बिना मतलब आप पैसे दिए बगैर तो आप नहीं करोगे? देखिए सर, इसके अंदर कुछ
चार्ज लगते हैं वो पे करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, तो आप पे करने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हो कि आपको जियो की तरफ से 25 लाख रुपए मिले हैं, आप 25 लाख रुपए देने की बात कर रहे हो, अकाउंट में 25 लाख रुपए आएंगे, कोई दिक्कत, मैं मान गया, लेकिन फिर आप 12,000 रुपए के लिए हमसे क्यों ले रहे हो, यही बताइए ना। आप 12,000 उसी में से काट के बाकिया पेमेंट सेंड कर दीजिए। फाइल चार्ज तो आप पे करोगे ना, जो भी लॉटरी आपके लगी अमाउंट है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, तो फाइल चार्ज आपको ही पे करना पड़ेगा सर। अच्छा, फाइल चार्ज हमको ही पे करना पड़ेगा, क्या बोल रहे हो, फाइल चार्ज हमें पे करना पड़ेगा। फाइल चार्ज तो फाइल रेडी करने का चार्ज लगता है, वो तो आप पे करोगे ना, यहाँ से थोड़ी ना होगा वो तो अकाउंट। अच्छा, तो मतलब फाइल चार्ज पे करते ही और चार्ज तो नहीं आएगा कोई, मैं 12,000 रुपये आपको भेज दूं? इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है, जैसे फाइल चार्ज पे करोगे। अच्छा, उसके बाद में आपकी फाइल है वो तैयार हो जाएगी और एक घंटे के अंदर अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक घंटे में बैंक में अपने अकाउंट में पैसे आ जाएंगे पूरे 25 लाख? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, तो ये नहीं हो कि मैं आपको 12,000 सेंड कर दूँ और फिर 5,000 और मांग लो इनसे? नहीं नहीं सर, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है, ओनली फॉर फाइल चार्ज ही लगेगा। ये कब से कर रहे हो आप ये फ्रॉड काम इस तरह को, केबीसी के नाम से? सर फ्रॉड काम नहीं है, जेन्युइन काम है, जियो कंपनी की से बोल रहा हूँ मैं। अरे वो हमें सब पता है, ठीक है ना, सिखाने की कोशिश मत कर। 12,000 रुपए लेने की कोशिश कर रहा है तो फिर कहाँ का फ्रॉड कंपनी से ही है तू? 12,000 क्यों मांग रहा है तू फिर? नहीं लेना है ना, तो आप दे रहा हो तो बिना पैसे लिए देना 25 लाख रुपए तू। नहीं सर, बिना पैसे नहीं, क्योंकि फाइल बनने के बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। मेरी बात सुन, मैं तेरे को लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज के बाद में सबको इससे अवेयरनेस होगा, सबको सतर्क कर देंगे हम, क्या करेगा तू? आपको जो करना है वो कीजिए, अगर आपको लॉटरी रिसीव करवाना है पेमेंट अपना तो बताइए, नहीं तो छोड़िए, ठीक है। काट लेना उनमें से, काट के भेज दे हमारे बाकी के पेमेंट। काट के नहीं, आपको पेमेंट करो और अपनी फाइल तैयार करवाओ, रहने देनी चाहिए आपके अकाउंट के अंदर अमाउंट। तो देखिए साथियों, अभी सुबह है, इस भाई को एक केबीसी की तरफ से मैसेज प्राप्त हुआ है और उस पर इन्होंने, जैसे ही पहले भी इन्होंने बात की थी और इनको मेरे को बताया, तो हमने दोनों ने इनसे बात की है। तो आपको बता देता हूँ, जब केबीसी की तरफ से आपको ऐसा कोई मैसेज आए और जियो, एयरटेल, वोडाफोन किसी भी कंपनी का उसमें हवाला दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि आपको ये लॉटरी लगी है, आप इस पेमेंट को लेने के लिए कुछ अमाउंट है जो बैंक प्रोसेसिंग के लिए, कुछ फाइल्स का जो अमाउंट है वो पे कर दीजिए, उसके बाद में आपको ये पेमेंट मिल जाएगा। इसके बाद में आपको एक ऑप्शन और दिया जाता है, आपको कार का ऑप्शन दिया जाता है या गोल्ड का ऑप्शन दे दिया जाता है, आप वो लेना चाहो तो उसके लिए वो प्रोसेसिंग अलग से बताएंगे, कम पैसे थोड़ा सा बता देंगे। तो ध्यान रखें, जब किसी भी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा मैसेज आता है, जब किसी भी साथी के पास ऐसा मैसेज आता है, ऐसा कोई मैसेज प्राप्त होता है, तो उसको रिप्ले आप दे सकते हैं, लेकिन उसको पैसे कभी भी नहीं दें और ना ही अपनी पर्सनल डिटेल्स उसको सेंड करें। दोस्तों, केबीसी की तरफ से आपको ऐसा कोई भी मैसेज प्राप्त मैसेज नहीं भेजा जाता है, ये कुछ केबीसी के नाम से फ्रॉड लोग ऐसा मैसेज भेज के आपको लालच देने की कोशिश करते हैं, वो लोग उस लालच में पड़ के उनको पैसे भेज देते हैं। 25 लाख का लालच जब दिया जाता है तो 10-12 हज़ार रुपये भेज देते हैं और इसके बाद में और प्रोसेसिंग का पैसे मांग लिए जाते हैं। तो ध्यान रखें साथियों, जब आपको केबीसी की तरफ से ऐसा कोई मैसेज प्राप्त हो कि आपने 25 लाख रुपये की लॉटरी जीती है, कार जीती है और आपसे पैसे की मांग करता है, फाइल चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज या किसी भी तरीके से कोई चार्ज मांगा जाता है, तो उसको चार्ज नहीं दें, ना ही उसके पास अपनी पर्सनल डिटेल्स सेंड करें, क्योंकि वो लोग फ्रॉड होते हैं, केबीसी की तरफ से नहीं होते हैं, आपके साथ बड़ा स्कैम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।